A very marvelous morning. I repeat, a very marvelous morning. हम हर दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग से करते हैं, राइट? तो क्या हम इस वर्ड गुड को चेंज नहीं कर सकते? कैन वी से marvelous मॉर्निंग, fantastic मॉर्निंग, superb मॉर्निंग? क्योंकि ये हमें पॉजिटिविटी का एहसास दिलाती है. Why? एक अच्छा दिन सिर्फ गुड क्यों हो, वो फैंटास्टिक क्यों नहीं हो सकता? ये पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है. इसके अलावा एक और पॉजिटिव न्यूज है जो एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं. और नॉलेज ऑफ द डे में हम शेयर करेंगे ओपेक के बारे में, ओपीईसी. ये ओपेक क्या होता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉजिटिव न्यूज के साथ कि सीबीएसई ऐसा कौन सा कदम उठा रही है जो बहुत पॉजिटिव है, और एजुकेशन इंडस्ट्री में वो पॉजिटिव न्यूज क्या है जो हमें फ्यूचर में फायदा कर सकती है. करंट अफेयर्स विद राम में आपका स्वागत है. जो सबसे इंपॉर्टेंट कदम सीबीएसई उठाने जा रही है वो है, सीबीएसई इस वर्ड को रिमूव करना चाहती है, फेल्ड. रॉबर्ट एच शूलर एक ऑथर हैं, उन्होंने फेलियर को डिफाइन किया, फेलियर डज नॉट मीन यू आर ए फेलियर, इट डज मीन यू हैव नॉट सक्सीडेड येट. फेल का मतलब ये नहीं होता कि आप फेल हो चुके हो, आप कुछ नहीं कर सकते. इसका मतलब सिर्फ ये है कि अभी तक सक्सेस आपके हाथ में नहीं लगी है. यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई ने स्टेप उठाना है, उठाया है कि जो वर्ड फेल्ड है या कंपार्टमेंटल वर्ड है, इस वर्ड को चेंज किया जाए. ऐसा नहीं है कि बच्चे फेल नहीं होंगे, लेकिन जो वर्ड फेल है इस वर्ड को हटाया जाए. तो सीबीएसई ने स्कूलों को रिक्वेस्ट किया है कि कुछ ऐसे चार वर्ड हमें बताएं जिसको इन वर्ड को बदलकर हम उन वर्ड को यूज करें. जो ये तो बताए कि आप कहां कौन सी पोजीशन पर स्टैंड करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव वर्ड है ये फेल्ड, कंपार्टमेंट, ये डार्क इंप्रेशन ना छोड़े. अगर आपको भी लगता है कि इसकी जगह पर कुछ अच्छे वर्ड यूज किए जा सकते हैं, जो पोजीशन तो बताए लेकिन नेगेटिव डार्क इंप्रेशन ना छोड़े, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज है वो है ऑनलाइन एजुकेशन. ऑनलाइन एजुकेशन का जो बाजार है, जो मार्केट है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है. अब आप बोलेंगे इसमें पॉजिटिव क्या है? इसमें पॉजिटिव ये है कि हमारे भारत के वो क्षेत्र, वो एरिया जहां पर बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करावाना काफी मुश्किल होता था, अब वो आसान होता जा रहा है. अगर आप चेक करेंगे तो 2017 के अंदर में जो ऑनलाइन बाजार था, एजुकेशन मार्केट थी, वो थी $247 मिलियन, यानी लगभग 1754 करोड़ की मार्केट थी. लेकिन 2021 के अंदर इसको एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये मार्केट करीब करीब $1.96 बिलियन पहुंच जाएगी, यानी लगभग 14,000 करोड़ की ऑनलाइन मार्केट हो जाएगी. अगर ग्रोथ देखो तो 4 सालों में 800% की ग्रोथ, यानी 200% की ग्रोथ हर साल हो रही है. इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? उन बच्चों को, उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, बेस्ट एजुकेशन लेना चाहते हैं, लेकिन एरिया का फर्क पड़ता है, वहां पर एजुकेशन नहीं हो पाती है. लेकिन अब वो घर बैठ करके अपने नियरेस्ट सेंटर में जाकर के ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, इवन मोबाइल पर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं. तो अब एजुकेशन का दायरा सिर्फ कुछ लिमिटेड एरियाज में, कुछ लिमिटेड टीचर्स तक नहीं रह जाएगा. आने वाले समय में ये दायरा बढ़ेगा और हर वो बच्चा, हर वो स्टूडेंट जो नॉलेज एक्सेस करना चाहता है, घर बैठ के बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन को बहुत कम पैसे में गेन कर पाएगा. इसके कुछ और कारण भी हैं, जैसे रैपिड एडॉप्शन ऑफ मोबाइल फोन्स. मोबाइल फोन्स का जो एडॉप्शन है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, संक्रमित हो रहा है. मोबाइल फोन के यूज टू होते जा रहे हैं लोग, मोबाइल की डिमांड बढ़ती जा रही है, स्मार्टफोन आते जा रहे हैं, सस्ते भी हैं, और उससे बड़ा एडवांटेज चीप इंटरनेट, इंटरनेट का सस्ता होना, जिससे आप कहीं पर भी बैठ करके नॉलेज को एक्सेस कर सकते हो, उसे सीख सकते हो. और एवर ग्रोइंग डिमांड फॉर रीस्किलिंग, यानी आज की डेट में
बढ़ते युग में, इस नॉलेज के बढ़ते युग में हर कोई अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दायरे में फंस जाता है कि वो उसको कैसे बढ़ाए। तो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से आने वाले समय में ये सारी ज़रूरतें बहुत आसानी से पूरी हो जाएंगी। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि जिसके तहत हम हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर तक एजुकेशन को आगे पहुंचा सकते हैं और अपने भारत को एजुकेट कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ द डे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओपेक क्या होता है। ओपेक, OPEC, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक इज ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 14 ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस। यानी कि वर्ल्ड के अंदर में 14 ऐसी कंट्रीज हैं जो मैक्सिमम ऑयल एक्सपोर्ट करती है, उनके ग्रुप को हम ओपेक कहते हैं, OPEC। ओपेक वॉज फाउंडेड इन 1960 टू कोऑर्डिनेट द पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर्स एंड टू प्रोवाइड मेंबर स्टेट्स विद टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एड। ओपेक की जो शुरुआत की गई थी वो 1960 में की गई थी। जो कंट्रियां पेट्रोल एक्सपोर्ट करती थी, ऑयल एक्सपोर्ट करती थी, उन सब ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया ओपेक, ताकि वो एक दूसरे की सहायता कर सके, पेट्रोलियम प्राइसेस को कंट्रोल कर सके, और अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है किसी भी नेशन को, उसको वो हेल्प कर सके। जो कंट्रियां ओपेक के अंडर आती हैं वो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, जो कि फाउंडर कंट्रीज है। इन्होंने ओपेक की शुरुआत की थी 1960 में, और अब इसमें अरब एमिरेट्स आता है, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, और इसके अलावा 5 कंट्रीज हैं जो ओपेक ग्रुप की मेंबर्स हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो नॉलेज ऑफ द डे पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ शेयर जरूर करें। आपके ट्रू कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।